Good afternoon, everyone. कैसे हैं आप सारे लोग? चलिए, तो आज का भी सेशन हम लोगों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना हमारे सारे सेशन रहते हैं, क्योंकि हमारी चल रही है 1000 क्वेश्चन की सीरीज, जैसा कि आपको पता ही है, और ये आज हमारा 7th सेशन होने वाला है। तो टोटल आपको 20 सेशन मिल जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा था, इस सीरीज में, यानी कि दिसंबर में ही आपको टोटल मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग और भी, यानी कि और भी चीज़ें देखेंगे, और भी सेशंस देखेंगे जो भी इम्पोर्टेंट होंगे हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि आपके पॉलिटी मिल जाएगी आपको, और भी जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो भी आपका करा दिया जाएगा। बेसिकली दिस समथिंग अबाउट मी, एंड मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो बहुत दिनों से चला आ रहा था कि प्राइज़ हाइक होने वाला है SSC एग्जामिनेशन का, है ना, आप सभी लोगों को सारे ही टीचर्स बता रहे होंगे, जल्दी से जल्दी ले लीजिए आप लोग, तो उसका कंफर्मेशन हो गया है। एंड ये जो आपका प्राइस हाइक है, ये होगा आपका 31st of December से। कब से होगा? 31st of December से प्राइस हाइक आपका हो रहा है। तो सभी लोगों को मैं सूचित करना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो भी अनअकैडमी प्लस लेना चाहते हैं, अगर नहीं लेना चाहते हैं दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि बाद में भी फिर बच्चे सोचते ही रहे थे कि कुछ कम होगा, बट नहीं हुआ था। लास्ट ईयर आप सभी को पता है अक्टूबर में हुआ था प्राइस हाइक, 5000 पहले फीस हुआ करती थी, अगर आप उस टाइम पे 2 साल का ले लेते तो इस टाइम पर आपको बहुत प्रॉफिट होता। तो अभी फीस कितनी हो गई थी? 20% इंक्रीज होकर 6000। अब वही अंदाजा है कि 20% और बढ़ सकती है, ये एक साल की फी की बात कर रहा हूँ मैं। तो अभी 2 साल की फी जो है वो करीब 7200 रुपये है एग्जैक्टली। एंड आप अगर मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे बिन्नी सर, ठीक है, तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड साथ ही साथ में अपने क्रेडिट्स आप लेस कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर अभी ले लेते हैं तो वह बहुत फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि 31st December इस साल के अंत में अनअकैडमी की फ़ीस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बाकी यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, 3 बैचेज हैं, 21 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट बैच होगा आपका, और पूरा का पूरा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही होंगे, तो ये आप लोग देख सकते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को जितने भी क्लास में हैं। आज मैं थोड़ा आपका टाइम लूँगा, क्योंकि यहाँ पर बैचेस के बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है आपको। अनअकैडमी प्लस पर आप टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पवन राव सर, रानी मैम, प्रतियोगिता मंत्र, वाईफाई स्टडी, है ना, और साथ ही साथ में आपके अभिनय सर हैं, अंकित अवस्थी सर हैं, वरुण सर हैं, और साहिल खंडेलवाल सर तो हैं ही हैं, नमस्कार, ठीक है। तो अल्टीमेट बैचेस हैं आपके SSC गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के लिए। आपको ये फाउंडेशन बैच जो है ये 21st of December से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर आपका काफ़ी सारी चीज़ें, जो CGL 2021-22 होगा उसके लिए कस्टमाइज्ड बैच है पूरा का पूरा, और आपको एक ही बैच में सारा कुछ मिल जाएगा, सारा कुछ कवर हो जाएगा। 9 months यानी कि 9 महीने का ये बैच होगा, याद रखिएगा, 9 months में आपको क्या क्या नहीं मिल सकता है। सारे के सारे टॉप एजुकेटर, जैसे कि मैंने बताया, ऊपर के एजुकेटर्स जो है वो तो है ही है, साथ ही साथ में 120 और भी एजुकेटर्स हैं जिनसे आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बैचेज हैं जो शुरू हो रहे हैं, और प्राइस हाइक जैसा कि मैंने बताया है 31st of December से हो रहा है। आप रेफरल कोड जरूर यूज़ करना ना भूलिएगा, बिन्नी सर जो है वो रेफरल कोड है, और उसको आप यूज़ कर लीजिएगा। एक और बैच है चैलेंजर्स बैच, जो कि 28th of December को शुरू होगा। 400 घंटे चैलेंज का मतलब है आप क्या पढ़ सकते हैं 400 घंटे, तो 400 घंटों का ये बैच होगा बेटा। हेलो बेटा अजय कुमार जी, बहुत बढ़िया हूँ मैं। देवेश्वरी, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला बैच जो है वो आपका GS मास्टर्स बैच है, सिर्फ GS और GS के 180 घंटे आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सब कुछ फ्री होगा, एक बार आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिए, फिर अनअकैडमी पर कुछ जो कुछ भी है SSC कैटेगरी में, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ, SSC कैटेगरी में एवरीथिंग जो कुछ भी है सब आपके लिए एक्सेसिबल होगा, समझ गए ना, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सब का सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा जैसे ही आप प्लस लेंगे। अभी एक साल की फी जो है वो 6000 है, वैसे 7200 है 2 साल की, तो बहुत अंतर है 1 साल और 2 साल में। अगर आप प्रिपरेशन कायदे से करना चाहते हैं तो ले लीजिए 2 साल का, और उसके लिए रेफरल कोड बिन्नी सर लगाना मत भूलिएगा। उसके बाद प्राइस हाइक जो है ये है, इसके यहाँ पर आप देख सकते हैं, रेफरल कोड लगाते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक।
चलिए, और वन स्टॉप सॉल्यूशन तो है। हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डेली हम लोग क्लासेस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शंस क्या क्या हमारे पास, जयप्रकाश नारायण जी, दादा भाई नौरोजी जी, राम मनोहर लोहिया और सरोजनी नायडू। तो ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहना है जो भी आपको आता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चा, राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी वॉज इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स फॉर द फिंसबरी सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द इलेक्शंस ऑफ 1892, यानी कि 1892 के टाइम पर भारतीय एक सिलेक्ट होकर गया था ब्रिटिश में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया था, ब्रिटिश संसद में, वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट जो है वहां पर। तो आप समझ सकते हैं है ना कि ये कितने एक महान भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं, वॉट वॉज कौमिनतांग, ये बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। कौमिनतांग क्या था, अ नेशनलिस्ट पार्टी इन जापान, अ फेसिस्ट पार्टी इन जापान, अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना, या फिर अ नेशनलिस्ट पार्टी इन चाइना। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी जल्दी से आप लोग आंसर देते रहिए, जितने भी बच्चे क्लास में हैं वो सारे आंसर दे दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए, सो राइट आंसर इज फोर्थ, यानी कि एक ये नेशनलिस्ट पार्टी थी उस टाइम पर चाइना के लिए, चीन के लिए, चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी बोला जाता था, या फिर इसको कौमिनतांग भी बोला जाता था। ठीक है, इसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड कर दी है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद गदर पार्टी, यानी कि इनमें से कोई एक गदर पार्टी जो कि बनाई गई थी सैन फ्रांसिस्को में, उसमें इन्वॉल्व नहीं था, लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, सोहन सिंह भाकना, या फिर एवरीवन, यानी कि जितने भी तीन ऑप्शंस ऊपर हैं वो तीनों के तीनों आपके एसोसिएटेड है। क्विकली आप लोग आंसर दे दीजिए, ठीक है, जल्दी से आंसर दे दीजिए आप लोग, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है देवेश्वरी आपके दोनों के दोनों। ठीक है, इसका आंसर दें आप, राइट आंसर है दूसरा, यानी कि बाबा गुरदीप सिंह जी जो थे वो इससे रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन वॉज फाउंडेड बाय लाला हरदयाल विद सोहन सिंह भाकना एज इट्स प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन थे, सोहन सिंह भाकना, जिसको बाद में गदर पार्टी बोला गया। क्या नाम था इसका, पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन, और इसका स्थापना कहां हुआ था, इसका स्थापना हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, चलिए, सोहन सिंह भाकना थे, करतार सिंह सराभा थे, अब्दुल हाफिज मोहम्मद बरकतुल्ला थे और राज बिहारी बोस थे इसके की लीडर्स जो थे, मतलब मेन लीडर्स जो थे वो। वेरी गुड देवेश्वरी। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट एडवोकेटेड बाय महात्मा गांधी, इसमें से क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा वकालत नहीं की गई थी, क्या मतलब क्या होता है यहाँ पर, प्रमोट नहीं किया गया उस चीज को महात्मा गांधी जी के द्वारा, इसमें से क्या महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रमोट नहीं किया गया था। क्विकली आप लोगों को आंसर देना है, निषेध, भारी उद्योग, ग्राम पंचायत, या इनमें से सारी चीजें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा, यानी कि भारी उद्योग जो हैवी इंडस्ट्रीज थी उसको कभी भी गांधी जी ने प्रमोट नहीं किया था, और उसके बारे में यहाँ पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। देखिए पीडीएफ आप लोगों को हमेशा रहता है, तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल है बिनी सोनी, आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर, और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो वहां से आपको ये सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट एसीड टू द इंडियन यूनियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि बोला जा रहा है भारतीय स्वतंत्रता के बाद, आप सभी को पता है माउंटबेटन ने क्या बोला था, माउंटबेटन जो प्लान आया था उसके तहत दो राष्ट्रों का निर्माण होगा लास्ट में, बाद में, पहले तो जब आजाद हुआ, पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेटा एक ही बनी थी, आप सभी को पता होगा है ना, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, लेकिन उसमें एक भी मीटिंग, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे उन्होंने एक भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया था, इसी वजह से बाद में चलकर एक और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाई गई, और 1947 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब बन गई थी, 1946 में, 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो बोला गया था दो राष्ट्र होंगे, एक होगा इंडिया, एक होगा पाकिस्तान। ठीक है, यानी कि कैबिनेट मिशन ने
मुस्लिम लीग की अलग देश अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनाने को खारिज कर दिया था, मना कर दिया था कैबिनेट मिशन ने, ठीक है जी हाँ। पांचवें का डी आप कह रहे हैं नन ऑफ दी, मतलब कि सारे के सारे जुड़ गए थे, देवेश्वरी जी का कहना है। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर है देवेश्वरी जी का। इन द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1947 552 प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पर, और सबसे बड़ा रोल किसने प्ले किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने सबसे बड़ा रोल प्ले किया था उन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको इंडिया के अंदर लाने के लिए। हालांकि कुछ नहीं भी आए थे, लेकिन जोधपुर, जूनागढ़ और कश्मीर ये तीनों आ गए थे फाइनली। बहुत जूनागढ़ और कश्मीर ने बहुत तकलीफ दी थी, बट लेकिन फाइनली आ गए थे। खिलाफत मूवमेंट वॉज कनेक्टेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, खिलाफत आंदोलन किससे रिलेटेड था, आप सभी को पता है। ऑप्शंस क्या क्या है, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया या ईरान। अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है, मैं बता दूंगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, टर्की, जो टर्की के कलिफ थे बेटा, ठीक है। टर्की की कैपिटल आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बतानी है तो जल्दी से बता दीजिए। खैर, टर्की के कलिफ थे, उनके लिए इस ठीक है वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पर यहाँ पर ओटोमन सुल्तान जो थे कलिफ, उन्होंने वहां से शुरू हुआ था और वो भारत में भी आ गया था, ठीक है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पहला यानी कि टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो जो भी लाइव ना हो तो प्लीज एक बार लाइव कर लें आप, या तो आपके स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट बॉटम पर होगा अगर आपकी फोन स्क्रीन है तो लाइव पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। या फिर आप जैसे बढ़ाते हो वीडियो डबल टैप करके 10 सेकंड उसको 5-6 बार दबा दीजिए तो आप लाइव आ जाओगे, ठीक है। तो दोनों प्रकार से आप लाइव आ जाइए पहले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग कुछ आंसर्स पीछे दे रहे हैं, जिस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि लाइव आ जाइए पहले आप लोग, क्योंकि जो बाकी चीजें हैं वो तो अगर आप लेट आए हैं तो आप पीछे जाकर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर तो जब तक लाइव चलता है तब भी आप बैक जा सकते हैं, रिकॉर्डेड तो आपको मिल ही जाएगा, तो आधे घंटे क्लास है मुश्किल से, तो जल्दी जल्दी देख लीजिए। हु वॉज द रिफॉर्मर ऑफ ऑप्रेस्ड एंड बैकवर्ड क्लासेस, शोषित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे, और यहाँ पर आंसर दिया गया है सी। तो मैं देखता हूँ राइट आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, उसके बाद आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी या बी आर अम्बेडकर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। बिल्कुल, दलित और शोषित लोगों के लिए बी आर अम्बेडकर ने काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग की थी, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें और भी उन्होंने करी थी। बहुत ही उच्च कोटि के ये थे, बेसिकली बोले जाए तो एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, और विद्वान किस प्रकार के, बहुत ही बड़े विद्वान थे। आप समझ सकते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष इनको बनाया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कि पूरा संविधान लिखना, पूरा का पूरा संविधान इन्होंने लिखा है, ठीक है। इनके साथ भी थे, 7 लोगों की पूरी मेंबर्स की एक कमेटी थी, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। इनका पूरा नाम क्या था, भीमराव रामजी अम्बेडकर। नेक्स्ट, वॉट वॉज कोमागाता मारू, ये कोमागाता मारू एक क्या था, एन आर्मी यूनिट थी, अ हार्बर, अ शिप, एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप। तो कोमागाता मारू एक जहाज था, बोले तो जैपनीज शिप, एक जापान का जहाज था, ठीक है। और ये जहाज जो कि हांगकांग से वैनकूवर आया था 1914 में, कैरिंग इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हु डिड नॉट लाइक देयर लिविंग कंडीशन बैक इन इंडिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। आप सभी को पता है मैकॉले लाया था इसको, मैकॉले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उस टाइम पर, तो मैकॉले एक मिनिस्टर भी था ब्रिटिश का, जो कि अपना मैकॉले मिनट लाया था, जिसके तहत इंग्लिश को मीडियम ऑफ स्टडी या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया बना दिया गया था। उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड विलियम बेंटिक। शुभ पांडे जी ने तीसरा आंसर दिया है, so देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर, अच्छा शुभ पांडे ने आंसर चेंज कर दिया है, राइट आंसर इज लॉर्ड विलियम बेंटिक। बेटा डलहौजी के टाइम पर क्या आया था, डलहौजी के टाइम पर इस प्रकार की एक चीज आई थी, वो था वुड्स डिस्पैच, ठीक है। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, जिसके तहत 1857 में कलकत्ता में विश्वविद्यालय खोला गया था, ठीक है। याद रखिए, विद्यालय, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज हो गया, विद्यालय कॉलेज हो गया,
और यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय हो गई। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अनाउंस किया था उस टाइम पर मिनट अपॉन इंडियन एजुकेशन, या मैकॉले मिनट बोला जाता है उसको। नौकाचार नौकाचार कुछ बेच रहे हैं क्या, चलिए कोई बात नहीं। ब्रिटिश अचीव्ड पॉलिटिकल पावर इन इंडिया आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल पावर गेन कर ली थी किसके बाद, मतलब पूरी तरह से उनके ही हाथ में पहुंच गया थे हर चीज। बैटल ऑफ प्लासी, पानीपत, बक्सर या वॉन्डी वॉश। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लासी के युद्ध के बाद। ये मैंने शायद कल भी बताया था, ऐसा ही एग्जामिनर क्या करेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा। दोनों ही क्वेश्चन जो मैंने कल बताया था, ठीक है, कि गवर्नमेंट के हाथ में सत्ता कब आ गई थी, और ये भी बताया था, दोनों प्रकार के क्वेश्चन एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं, और दोनों लैंग्वेजेस आप देखकर कंफ्यूज ना होइएगा कभी, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, आप सभी को सब कुछ आ रहा है। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, टाइमलाइन देख के चला करिए। सिराजुद्दौला था उस टाइम पर, है ना, 1756 में सिराजुद्दौला गुस्सा हो गया था, फोर्ट विलियम्स पर कब्जा कर लिया था और ब्लैक होल ट्रेजिडी हुई थी, है ना। फिर 1757 में ब्रिटिशर्स के हाथ में आ गया, तो उसने फिर मीर जाफर को बना दिया। मीर जाफर ने क्योंकि उनकी हेल्प की थी 1757 में, मीर जाफर जब कुछ नहीं कर पा रहा था तो फिर मीर कासिम को बना दिया, मीर कासिम को बना दिया, मीर कासिम और विद्रोही था, उसने विद्रोह कर दिया, तो वापस मीर जाफर को बना दिया। अब जब वापस मीर जाफर को बनाया गया तो मीर कासिम ने युद्ध कर दिया 1764 में, और अपने साथ किस किस को लाया था, वो शुजाउद्दौला को, अवध का नवाब, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था उस टाइम पर, तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स पर हमला किया लेकिन नहीं जीत पाए, ठीक है, फिर भी ब्रिटिशर्स जीत गए थे। चलिए, Which of the following was not actively engaged in the social and religious reforms in India? कौन नहीं engaged थे, क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करिए बेटा, कौन नहीं engaged थे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये राइटर थे बेसिकली, ग्रेटेस्ट ऑफ हिंदी राइटर्स अभी तक जितने भी हुए हैं, तो बहुत महानतम राइटर्स लेखकों में से एक थे। तो बेसिकली राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, ये तीनों ही इंगेज थे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स में, लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र वाज़ अ राइटर बेसिकली, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु वाज़ द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द लीडर ऑफ कम्युनलिस्ट इंटरनेशनल, पहला भारतीय कौन था जिसको कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के रूप में, के अध्यक्ष के रूप में, लीडर के रूप में चुना गया था। सो द राइट आंसर विल बी, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, पीसी जोशी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर एम एन रॉय, ये आपके पास आ जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, चौथा एम एन रॉय, एम एन रॉय को यहाँ पर इलेक्ट किया गया था। तो यहाँ पर बारहवें का आंसर भी क्या हो जाएगा, फोर्थ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी भारत की, उसके अध्यक्ष कौन थे, एनी बेसेंट, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बैनर्जी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है इनका नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, सुभाष चंद्र बोस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना बेसिकली पहली बार जो फाउंड की गई थी वो मैडम एच पी ब्लावात्स्की ने की थी, और कर्नल एच एस ऑलकॉट, कहाँ की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। भारत में कौन लाया था, भारत में लाई थी मिसेस एनी बेसेंट, ठीक है, मिसेस एनी बेसेंट लाई थी भारत में। तो 1875 में ये शुरू हुआ था, कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 1875 इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना भी की गई थी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 में ही, और 1886 में भारत में आ गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। जी सुभ पांडे जी, वेरी गुड, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दिया आपने। व्योमेश चंद्र बैनर्जी जो थे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1885 में, जो कि हुई थी, ठीक है, खैर, और उसके फाउंडर कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ए ओ ह्यूम, जो अपनी मृत्यु तक उसके सेक्रेटरी बने रहे, सेक्रेटरी जनरल, ये चीज याद रखिएगा अपनी, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो सेक्रेटरी जनरल बने रहे। कौन, ए ओ ह्यूम, एलोवियन ऑक्टेवियन ह्यूम। हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन 1870, यानी कि भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे 1870, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय
या राम मोहन रॉय राजा की तरफ उन्हें उपाधि दी गई थी और फिर दयानंद सरस्वती। मैं नहीं देख रहा हूं जी, आज वीडियो ऑफ कर रखा है मैंने, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट मैं लाइव ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियो हो। रिकॉर्डेड वीडियो जब होता है तो प्रीमियर होता है बेटा, ठीक है, लाइव नहीं होता है, ये आप लोगों को मैंने अंतर बता दिया। तो प्रीमियर में भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, उसमें तो और टाइम कम लगता है, आप लोगों को कम समय में ज़्यादा चीज़ें मिलती है ना। चलिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा, यानी कि केशव चंद्र सेन। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड ऑन 29th of October 1870। केशव चंद्र सेन जो थे इसके लीडर थे, इसके अध्यक्ष थे, इसके फाउंडर थे। हु प्रोपाउंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, यानी कि निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत किसने दिया था। यहां पर आपके पास ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या फिर बिपिन चंद्र पॉल। देखते हैं राइट आंसर क्या होगा, दूसरा यानी कि अरविंद घोष के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस, निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया गया था। अभिनव भारत वॉज फाउंडेड इन 1904 एज द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरीज बाय, यानी कि एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई थी रिवोल्यूशनरीज की, यानी कि स्वतंत्र सेनानियों की जो आंदोलनकारी थे उनकी। अभिनव भारत, जिसको पहले मित्र मंडली के नाम से भी जाना जाता था, किसने शुरू की थी, और इसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, जब भी जिक्र आता है तो उसका आंसर जरूर बताता हूँ आपको, लाइव जरूर हो जाइए आप लोग, लाइव कर लीजिए वीडियो को, पुराने आंसर मत दे। दामोदर चपेकर, वी डी सावरकर, प्रफुल्ला चाकी या फिर खुदीराम बोस। सो राइट आंसर विल बी वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1903 में स्थापना की थी यंग इंडिया सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी की। इनिशियली फाउंडेड एट नासिक एट मित्र मेला, मित्र मेला के नाम से इन्होंने शुरू किया था 1903 में, बाद में चलकर इसका नाम क्या हो गया, यंग इंडिया या अभिनव भारत सोसाइटी। अगला है म्यूटनी ऑफ 1857, जो 1857 की सिपाही क्रांति थी या सिपाही विद्रोह था या पहला भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था, तो कई राइटर्स ने अलग अलग नाम उसको दिए हैं, ठीक है। तो यहां पूछा जा रहा है उसको फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा बोला गया था, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या वी डी सावरकर। सो द राइट आंसर विल बी वी डी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने बोला था द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक पुस्तक थी उनकी जिसमें उन्होंने लिखा 1857 की जो क्रांति थी वो पहला भारतीय युद्ध था, किसके खिलाफ, इंडिपेंडेंस के लिए ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तो 17th का आंसर हो जाएगा डी। द स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट इज रिलेटेड टू, स्वदेशी बॉयकॉट जो मूवमेंट हुआ था वो किस वजह से हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1947 की वजह से, पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 की वजह से, नॉन कोऑपरेशन इन 1921 की वजह से या फिर पार्टीशन ऑफ पंजाब इन 1947 की वजह से। एंड द राइट आंसर इज पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 1905 में भी बंगाल विभाजन हो चुका है एक बार फूट डालो की वजह से, लेकिन काफ़ी सारे आंदोलन हुए जिसमें से एक था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट, और 1911 में उसको वापस कर लिया गया था जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे, द्वितीय दिल्ली दरबार लगवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द टाइटल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया टू सरोजिनी नायडू, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, सरोजिनी नायडू को, और ये उपाधि उनको किसने दी थी, जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। सबके आगे ब्रैकेट, मतलब सबको ब्रैकेट में रखकर जी लगा दीजिएगा मेरी तरफ से, ठीक है, तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनकी भी हम लोगों को। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है महात्मा गांधी। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने बोला था, तो ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, ये बोला था महात्मा गांधी जी ने भारत कोकिला। द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वायसरायलिटी ऑफ, वायसराय कौन था, बजट तो पेश किया था जेम्स विल्सन ने, ठीक है, जेम्स विल्सन ने 1860 में। अब मैंने ये भी हिंट दे दिया आपको, अगर अब नहीं बता पाए तो कभी नहीं बता पाओगे, मैंने बता दिया 1860 में पहला बजट प्रस्तुत किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, तो उस टाइम पर वायसराय कौन था, कैनिंग, डलहौजी,
रिपन या एल्गिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैनिंग। क्यों, आप सभी को पता है 1848 से 1856 तक कौन था बच्चा, डलहौजी, है ना, कौन था, गवर्नर जनरल था। फिर 1856 से 1858 तक गवर्नर जनरल कौन रहा, कैनिंग। और जब यहां पर अनाउंसमेंट हो गया कि सारी पावर जो है वो क्राउन डायरेक्टली संभालेगा अब भारत की जो शासन है, तो 1858 से गवर्नर जनरल को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो कैनिंग कौन बन गया था उस टाइम पर, वायसराय। 61 तक रहा ये, तो बेसिकली 1860 की जब बात होगी 1860 की, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। इसी के टाइम पर जेम्स विल्सन ने पहला बजट पेश किया था। क्लियर है। द वर्किंग कमिटी ऑफ नेशनल कांग्रेस सैंक्शन द रेजोल्यूशन नेम्ड क्विट इंडिया। क्विट इंडिया का जो रेजोल्यूशन सैंक्शन हुआ था, यानी कि पास हुआ था, मतलब बहुमत से पास हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, वर्धा, नागपुर, मुंबई या दिल्ली कांग्रेस के अधिवेशनों में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्धा कांग्रेस। वर्धा कांग्रेस में इसको पास किया गया था, क्विट इंडिया मूवमेंट 14 जुलाई 1942 में हुआ, और अगस्त 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी की लीडरशिप में शुरू कर दिया गया था। क्लियर है ना। चलिए बहुत सही है, आगे भी क्वेश्चंस आप लोगों को ऐसे ही मिलते रहेंगे, एंड आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चंस में मजा आ रहा होगा। गांधी सत्याग्रह मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करवा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके करवाने में मैं बिलीव रखता हूँ। गांधी जी सत्याग्रह मेंटेन अटैचमेंट टू द फॉलोइंग टू एलिमेंट्स, यानी कि सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है, नॉलेज एंड रिलीजन, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड चैरिटी कर लीजिएगा इसको, ठीक है, लव ऑफ मदरलैंड एंड हेट फॉर कॉलोनियल मास्टर्स, यानी कि आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रूथ एंड वायलेंस, नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। आप सभी लोगों को पता है इसका आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। द शारदा एक्ट इज रिलेटेड टू, शारदा एक्ट किससे रिलेटेड है, अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, चाइल्ड मैरिज और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो ये चार ऑप्शंस है हमारे पास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तीसरा, यानी कि बाल विवाह, जो शारदा एक्ट है वो किससे रिलेटेड है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को ही बोला जाता है शारदा। खैर, विच टाइटल गिवन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू महात्मा गांधी वाज सरेंडर्ड ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान 1920 से 1922 तक चला था, पता होगा आप लोगों को, है ना, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद इसको रोक दिया गया था, बंद कर दिया गया था, काफी बड़े स्तर पर यह चल रहा था। तो कौन सी उपाधि थी जो महात्मा गांधी जी के द्वारा सरेंडर कर दी गई थी, जो कि उन्हें ब्रिटिशर्स ने दी थी। ऐसे ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी एक उपाधि वापस कर दी थी 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, वो कौन सी थी वो भी आपको बताना है। इसका आंसर तो आप कॉमेंट सेक्शन में दे ही रहे हैं। हिंद केसरी, राय बहादुर, रेट ऑनरेबल या फिर केसरे हिंद। सो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर इज केसरे हिंद। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी 1915 में बाय लॉर्ड हार्डिंग। उस टाइम पर लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे, तो 1915 में उनको वो उपाधि दी गई थी, एंड कॉन्ट्रीब्यूशन उनका काफी अच्छा था दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए, ठीक है। तो 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और खिलाफत आंदोलन के समर्थन में उन्होंने ये अपनी उपाधि वापस कर दी थी। उसी टाइम पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी चल रहा था। तो आपको बताना है यहाँ पर कि रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि उन्होंने वापस कर दी थी गांधी जी के करने के बाद। हु रिफर्ड टू महात्मा गांधी एज फादर ऑफ द नेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने बोला था, आप सभी लोगों को पता है रेडियो के ऊपर SC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, ठीक है। वो यहाँ थे नहीं, लेकिन रेडियो के ऊपर उन्होंने उनको राष्ट्रपिता शब्द के लिए इस्तेमाल किया था, सिंगापुर में थे। हु रिफर्ड टू एज फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है, फ्रंटियर प्रोविंस में बहुत अच्छे आंदोलन बिल्कुल गांधी जी की तरह लीड किया था फ्रंटियर प्रोविंस में, किसने, खान अब्दुल गफ्फार खान ने, पहला फॉरनर जिसको भारत रत्न भी दिया गया। ये क्वेश्चन भी बन जाता है, पहला फॉरनर जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया कौन था, खान अब्दुल गफ्फार खान।
उनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज पब्लिश्ड बाय गांधी जी ड्यूरिंग हिज स्टे इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के दरमियान जब वो साउथ अफ्रीका में स्टे कर रहे थे तब उन्होंने क्या पब्लिश करवाया था? यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन वॉज द न्यूज़पेपर एस्टेब्लिश्ड बाय इंडियन लीडर महात्मा गांधी एंड राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन। नेक्स्ट है, व्हाट वॉज द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट का चीफ ऑब्जेक्टिव क्या था? फोर्ज कॉर्डियल रिलेशंस विद द ब्रिटिश, अंग्रेजों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना, प्योरीफाई इस्लाम, इस्लाम को प्योरीफाई करना, शुद्ध करना, इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वीमेन, औरतों की जो दशा है उसमें सुधार लाना, या फिर एडॉप्ट रेशनल एजुकेशन, रेशनल एजुकेशन को एडॉप्ट करना। सो द राइट आंसर विल बी जो आपका इस्लाम को शुद्ध करना। ठीक है, वहाबी मूवमेंट बेसिकली इसीलिए आया था। विच गवर्नर जनरल वॉज कॉल्ड एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि स्थानीय स्वशासन का जनक भारत में किस गवर्नर जनरल को कहा जाता है? विलेज अली, कैनिंग, विलियम बेंटिक या रिपन। ये चार ऑप्शन हैं आपके पास। राइट आंसर आप सभी को पता है, रिपन को बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए कॉमेंट आने बंद हो गए, क्या हो गया भैया? चलिए, तो यहां पर पूछा जा रहा है ड्यूरिंग हूज वायसराय से, यानी कि किसके वायसराय के कार्यकाल के दौरान द कैपिटल ऑफ इंडिया वॉज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी किसके टाइम पर शिफ्ट की गई थी? कैनिंग, हार्डिंग, लिटन क्लाइव, 1911। मैं बता देता हूं आप लोगों को, 1911 में शिफ्ट की गई थी राजधानी जो कलकत्ता से दिल्ली। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग थे उस टाइम पर। जॉर्ज पंचम आए थे, द्वितीय दिल्ली दरबार लगाया गया था, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट किया गया था और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इतनी चीजें हुई थी, ठीक है। और इसके बाद वो घूमने भी गए थे। कहाँ घूमने गए थे? गेटवे ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम अपनी पत्नी के साथ गेटवे ऑफ इंडिया देखने गए थे। उन्हीं के उसमें बनाया भी गया था गेटवे ऑफ इंडिया, उनको दिखाने के लिए कि उन्हें वहां से जाना था बेसिकली समुद्री रास्ते से मुंबई से, तो उनके लिए बनाया गया था। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। और 1911 में राजधानी बनाकर 1912 में जो आपको पता है लुटियंस दिल्ली बोला जाता है जिस एरिया को, लुटियंस दिल्ली। लुटियंस दिल्ली क्यों बोला जाता है? क्योंकि लुटियंस ने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करे थे विद हिज असिस्टेंट हर्बर्ट बेकर। हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर उन्होंने बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस किए थे। आप जो इस समय पार्लियामेंट हाउस देखते हो, इस समय जो लोकसभा राज्यसभा के हाउसेस हैं, जो आपका नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, प्रेसिडेंट हाउस है, ठीक है, वो सारी चीजें उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाई थी लुटियन ने। ठीक है जी, बिल्कुल सही है ये। इसके अलावा आप अनअकैडमी प्लस पर अगर आते हैं तो आपको ये सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है। सिर्फ और सिर्फ एक रेफरल कोड है, बिन्नी या बिन्नी सर, वही आपको अपनाना है। एंड एट लास्ट मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि ये जो आपका प्राइस हाइक है, 31 दिसंबर को प्राइस हाइक होना है, तो आप सभी लोग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें, जिसको जिसको लेना है। यहाँ पर सारे टीचर्स हैं आपके, और अल्टीमेट जो बैचेज हैं वो आपको मिल जाएंगे। बिन्नी सर रेफरल कोड है जो आपको यूज करना है अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। सो दैट वॉज ऑल फॉर द क्लास, आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।